हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? कल दुबई ने एक अपडेट रिलीज़ करा है अपने रेजिडेंट के लिए, ट्रैवल गाइडलाइंस रिलीज़ करा है अपने रेजिडेंट के लिए। आज के इस वीडियो में उन 6 ट्रैवल गाइडलाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो दुबई ने अपने रेजिडेंट के लिए रिलीज़ करा है। कुवैत ने भी 1 अगस्त से अपने रेजिडेंट को एंट्री अलाउ कर दिया है, फुल्ली वैक्सीनेटेड रेजिडेंट को। अब दुबई ने भी अपने रेजिडेंट को अलाउ कर दिया है 23 तारीख से, 23 जून से, जो फुल्ली वैक्सीनेटेड रेजिडेंट हैं और जो बाकी के 6 पॉइंट्स कंप्लाई करेंगे वो दुबई आ सकते हैं। अभी देखना ये है कि सऊदी अरेबिया किस तरह का अपडेट रिलीज़ करता है अपने रेजिडेंट के लिए। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ अपडेट्स तो आएगा ही, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में जो मैं दुबई रेजिडेंट एंट्री के बारे में बताने वाला हूँ, एक एक पॉइंट करके आपको बता देता हूँ। जो पहला पॉइंट उन्होंने कहा है कि 23 जून से जो रेजिडेंट है, जो फुल्ली वैक्सीनेटेड रेजिडेंट है, जिन्होंने 2 डोज अप्रूव्ड वैक्सीन के ले लिए हैं, वो दुबई आ सकते हैं। इनमें से कौन कौन से अप्रूव्ड वैक्सीन है? 4 वैक्सीन है दुबई में जो अप्रूव्ड है। पहला एक है शायद सिनोफार्म, दूसरा बायोटेक का फाइजर, तीसरा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राज़ेनेका और चौथा रशियन वैक्सीन स्पुतनिक। ये 4 वैक्सीन के अगर आपने कोई भी 2 डोजेस ले लिए हैं, इन 4 वैक्सीन के 2 डोजेस आपने अगर ले लिया है तो पहला पॉइंट आप कंप्लाई करते हैं, पहला रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हैं। दूसरा रिक्वायरमेंट्स ये है कि आप जब दुबई ट्रैवल करने वाले होंगे तो आपको कोविड PCR टेस्ट भी करवाना पड़ेगा 48 आवर्स बिफोर डिपार्चर। मतलब आपके जो सैंपल कलेक्शन से फ्लाइट डिपार्चर तक मैक्सिमम 48 आवर्स होने चाहिए, और ये रिपोर्ट जो है कोविड PCR टेस्ट का, ये QR कोड होना चाहिए, उस पर मशीन रीडेबल QR कोड होना चाहिए, ओके। पहले क्या होता था, शायद 96 आवर्स था, अभी इसे घटा के 48 आवर्स कर दिया है। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया है कि जो भी ट्रैवलर्स हैं उन्हें 4 घंटे अपने फ्लाइट डिपार्चर के पहले एक टेस्ट है, क्या है वो, रैपिड PCR टेस्ट, ओके, रैपिड PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। रैपिड PCR टेस्ट और RT-PCR टेस्ट दोनों अलग अलग टेस्ट हैं, ओके। रैपिड PCR टेस्ट आपको 4 घंटे पहले अपने फ्लाइट डिपार्चर के कराने पड़ेंगे। अब ये लोग ये बोल रहे थे कि ये 4 घंटा नहीं, 48 आवर्स है, नहीं ऐसा नहीं है, ये 4 घंटा ही है, क्योंकि मैंने बहुत जगह चेक किया है और रैपिड PCR टेस्ट ज़्यादा समय नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट में आपको रिपोर्ट मिल जाएगा, तो ये आपको करवाना है। ये है तीसरा रिक्वायरमेंट। और चौथा रिक्वायरमेंट जो पहले की तरह ही सेम है, जब आप दुबई एयरपोर्ट में पहुँचेंगे तो आपका फिर से कोविड PCR टेस्ट होगा, और वो कोविड PCR टेस्ट आपको 24 आवर्स के अंदर रिपोर्ट मिल जाएगा। और जब तक आपको ये रिपोर्ट नहीं आता है तब तक आपको होटल इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना है। यहाँ पे इन्होंने डिटेल में नहीं बताया है कि जो लोग अपने, जिनका घर है, अगर रेसिडेंट है तो डेफिनेटली उनका वहाँ पे रूम होगा, फ्लैट होगा, अपार्टमेंट होगा, हॉस्टल्स होंगे, वहाँ पे रहना है या फिर होटल्स में रहना है। लेकिन इन्होंने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन लिखा है उसमें, इसका मतलब ये है कि होटल्स में ही आपको, जब तक आपका कोविड PCR टेस्ट का रिपोर्ट जो आपने एयरपोर्ट में किया था, सैंपल दिया था, उसका रिपोर्ट नहीं आ जाता है तो आपको वहीं रहना पड़ेगा। ट्रैवल करने से पहले इस चीज़ को एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स थे, अगर ये कंप्लाई करते हैं तो आप 23 जून से दुबई जा पाएंगे। अब जो लोग सऊदी अरेबिया आने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो नॉर्मल ट्रैवलर्स हैं उनके लिए 6 जुलाई तक सस्पेंड, इंडियन ट्रैवलर्स के लिए 6 जुलाई तक जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है वो है। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उसमें भी वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स को अलाउ करते हैं या फिर क्या क्या गाइडलाइंस होता है। जैसे ही कुछ अपडेट्स होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन अगर आप लोगों का वीज़ा और एकामा अगर वैलिडिटी है तो अभी वेट कीजिए, एंड ऑफ जून तक वेट कीजिए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपडेट्स आएगा हम सब लोगों के लिए, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के सऊदी अरेबिया आ जाए। तब तक आप वैक्सीन लीजिए,
इंडिया में वैक्सीन लीजिए। अब एक बैड न्यूज़ ये भी है कि पहले पासपोर्ट एडिशन नंबर जो ऑप्शन था कोविन में वो ऐड कर दिया था, अब उसे हटा दिया गया है। पता नहीं कोई टेक्निकल कारण के वजह से वो ऑप्शन हटा दिया गया होगा। कोविन में भी कुछ अपडेट्स आने वाले हैं, वो भी मैं आप लोगों को आने वाले वीडियो में बताऊँगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।